आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज और अन्य साधनों से भी जरूरी चीज होती है हौसला, और हौसला आपकी सोच को वह उड़ान देता है जिसका शिखर कामयाबी की चोटी पर है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूं तो हजारों कहानियां सुनी है और पढ़ी होंगी, लेकिन एक ऐसी ही जीती जागती कहानी है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम था। कलाम अपने परिवार में काफी लाडले थे। उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों में हमेशा ही सोचता रहता था। उन्हें बचपन में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस समय उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी और वह किरोसिन तेल का दीपक जलाकर पढ़ाई किया करते थे। अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। अखबार लेने के बाद रामेश्वरम शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर सबसे पहले उसका विवरण करते थे। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की ओर यह उनका पहला कदम रहा। कलाम की शिक्षा की बात करें तो कलाम जब 19 वर्ष के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी महसूस किया। युद्ध की आग रामेश्वरम के द्वार तक पहुंच गई थी। इन परिस्थितियों में भोजन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। कलाम एयर स्पेस टेक्नोलॉजी में आए तो इनके पीछे 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा जरूर थी। अध्यापक की बातों ने उन्हें जीवन के लिए एक मंजिल और भी प्रदान किया। अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। उन्होंने वहाँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अध्ययन किया। मिसाइल क्रांति की ओर कदम 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLB द्वितीय प्रशिक्षण पात्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 20 साल तक भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन ISRO में काम किया और करीब इतने ही साल तक रक्षा शोध और विकास संगठन यानी DRDO में भी। वे 10 साल तक DRDO के अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल को स्वदेशी तकनीकी से बनाया था। राष्ट्रपति का सफर 18 जुलाई 2002 को कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के IIM में भाषण देने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।